नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। सबसे पहले आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे देश के उन वीर सैनिकों को जो मारे गए निहत्ते सरहद पर, और साथ ही गहरी चिंता जाहिर करते हैं लगातार तेजी से बिगड़ते हालात पर। हमें इस बात की गहरी चिंता है कि देश जिस स्थिति से इस समय गुजर रहा है, जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, और उसे सरकार स्वीकार करने को शुरू में तैयार नहीं होती, यह हमारे लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल सीन है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। चीन जिस तरह से आक्रामक है, जिस तरह से हिंसक वारदातें हो रही हैं, जिस तरह से भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं, उधर के भी सैनिक मारे जाने की खबरें आ रही हैं, सवाल है ये हमारे लिए और किसी के लिए भी युद्ध जैसी स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं हम पा रहे हैं कि नेपाल भी नक्शे में तब्दीली करता है, इसे वहां की जो संसद है वो पारित करती है। पाकिस्तान से हमारा तनाव बना ही हुआ है, श्रीलंका से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बांग्लादेश की नाराजगी जग जाहिर है। आखिर ऐसा इस समय क्यों हो रहा है जिस समय देश गहरे संकट से जूझ रहा है? कोरोना महामारी ने देश को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है। आर्थिक मंदी हमें और आपको जीने नहीं दे रही है, और ऐसे में यह सवाल हमारा पूछना बहुत ही लाजिम है कि यह हालात ऐसे क्यों हुए? क्या सरकार को पता नहीं था? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट से जूझने के लिए, इस पे हमसे बात करने के लिए इतना लंबा समय क्यों लिया, जब तमाम रक्षा विशेषज्ञ लगातार एक के बाद एक बोले जा रहे थे कि भारत के लद्दाख वाले इलाके में स्थितियां ठीक नहीं हैं? तब हम क्यों नहीं सुनने को तैयार थे? क्यों हमारे 20 सैनिक, और शायद इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है जैसा कि लोगों का कहना है, क्यों उन्हें जान गंवानी पड़ी, निहत्ते हुए मारे गए? आखिर क्यों, कौन जवाब देगा इस बात का? यह एक बहुत ही गंभीर संकट की स्थिति है, यह साधारण समय नहीं है, और इसमें बहुत ही मैच्योरिटी, परिपक्वता की जरूरत है, कम से कम हमारे राजनीतिक नेतृत्व से। देखिए क्या हो रहा है। एक तरफ जो हमारे मीडिया घराने हैं वे अलग से नफरत का पूरा व्यापार चला रहे हैं। वे चीनी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेने के बाद लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं कि चीन के सामान का बायकॉट करो, और जनता जिसमें उन्होंने गहरी पकड़ बना रखी है, टीवी कैमरे सब फेंक रही है बालकनी से। क्या ऐसे हम चीन से मुकाबला कर पाएंगे? क्या ये बच्चों का खेल हमने समझ रखा है? टीवी एंकर स्टूडियो में बैठकर, बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट में बैठकर लगातार युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं, लगातार नफरत फैला रहे हैं। वे यहां तक पहुंच जाते हैं कि वे सरकार से सवाल पूछने के बजाय सेना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इससे पहले जब इस तरह की घटनाएं हुई, हमने सीधे सीधे सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछा था। लेकिन आज मीडिया देखिए, सरकार से सवाल पूछने के बजाय चीन की तरफ नफरत मोड़ने का काम कर रहा है, चीनी सामान का बायकॉट करने की आह्वान हो रहा है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं और टीवी स्क्रीनों पर टीवी न्यूज एंकर्स इसे जबरदस्त ढंग से दिखा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि टीवी वाले पहुंचे हैं और उनके लिए लोगों ने दिखाने के लिए सामान फेंकना शुरू किया है। अब इसकी शुरुआत अहमदाबाद से हुई या कहीं और से, इस पे हम नहीं जा रहे, लेकिन ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है यह बहुत खतरनाक है। यह उसी तरह से है जैसे कोरोना संकट से जूझने के बजाय हमने नफरत का वायरस फैलाने का काम किया था। हमने कभी एक आदमी को पकड़ा था, कभी दूसरी कौम को पकड़ा था, और इस तरह से आज भारत की जो स्थिति है कोरोना संकट में वह भयावह है। और चीन से मुकाबला कैसे किया जा सकता है, किस तरह से डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो सकते हैं, इस पर बात करने के बजाय पूरी तरह से बेबुनियाद, अवैज्ञानिक ढंग से
कभी यह कॉल आता है इंदौर से कि जो चीनी सामान है वो ट्रांसपोर्टर्स नहीं लाएंगे, कभी बाकी जगहों पर यह अपील आती है कि चीनी सामान का बायकॉट किया जाए। और क्या ही कहिए, मोदी सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, उनका ट्वीट देखिए, उनका ये बोलना देखिए, उन्होंने कहा कि चीनी खाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह चीनी खाना क्या है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। चीनी रेस्टोरेंट जो चीन का सामान बेचते हैं खाने पीने का, उनका बायकॉट होना चाहिए। यानी वे कहना चाह रहे हैं कि जो लोग चाउमीन खा रहे हैं, जो लोग नूडल्स खा रहे हैं, जो लोग उनके हिसाब से क्या खा रहे हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि चाइनीज खाना बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। यह जब आलम देश के केंद्रीय मंत्री का है, तब हम सोच ही सकते हैं कि जो उन्मादी भीड़ है वह क्या कुछ करने पर उतारू होगी। अगर हम बात कर रहे हैं इस समय कि चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, चीन से आने वाली तमाम चीजों को फेंक दिया जाना चाहिए, तो सवाल यह है कि क्या हम सरदार पटेल की मूर्ति को भी फेंक देंगे? क्योंकि सरदार पटेल की मूर्ति जो 3,000 करोड़ रुपए जिसकी लागत बताई जाती है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में सामान चीन से आया। जो ब्रॉन्ज प्लेट आपको दिखाई देती है चमकती हुई, वे सब चीनी माल है। तो क्या उस माल को आप फेंक दीजिएगा? इसी संदर्भ में एक सवाल पूछा जाना चाहिए उन लोगों से भी जो सामान फेंक रहे हैं या फेंकने का आह्वान कर रहे हैं, चाहे वो इंदौर के ट्रांसपोर्टर्स हों या बाकी और लोग, कि क्या वे उस झूले को भी फेंकने की बात करेंगे जिसमें जब चीन के राष्ट्रपति आए थे और अहमदाबाद पे वो झूला झूले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्या उसे भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए? क्या ये तरीका होता है एक घनघोर डिप्लोमेटिक क्राइसिस से निपटने का, या ये महज एक झुनझुना है तमाम लोगों के हाथ में जो पकड़ा दिया गया है कि नफरत करनी है और इस बहाने कुछ ना कुछ हमें करके दिखाना है? यह बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि इससे हमें गंभीर राष्ट्र के तौर पर और खास तौर से जो सरहद पे हमारे जवान खड़े हुए हैं, जो जान गंवा रहे हैं, उनके प्रति जरा भी चिंतित नहीं होते। हम उनके लिए कुछ भी सोच नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम यहां टीवी फेंक कर, मोबाइल फेंक कर या टीवी न्यूज चैनलों पर इस तरह की बहस करके वहां पर युद्धोन्माद फैलाकर युद्ध जीत लेंगे। यह समझना इस समय बहुत जरूरी है कि जिस तरह से स्थितियां बिगड़ रही हैं, ये सारे उपकरण इसमें काम नहीं आएंगे। हमें जरूरत है शांति की, जरूरत है अपने सैनिकों की रक्षा करने की, और रक्षा करने के लिए निगोशिएट करने की और अपने हकों को सही ढंग से सही परिपेक्ष में रखने की, जो इस समय तक एक मिसिंग फैक्ट है। हमारा सवाल बहुत सीधा सीधा है कि सरहद पे जो लोग मारे जा रहे हैं वे क्यों मारे जा रहे हैं? क्या इस टकराव से बचा जा सकता है, बचा जाना चाहिए था? सही समय राजनीतिक इंटरवेंशन होना चाहिए था जिसमें भारत चूका, और अगर हम चूक गए हैं तो क्या अब हम वहां से कुछ सबक सीखेंगे? लेकिन सबक तो हम तब सीखेंगे जब हम मानेंगे कि कहीं कोई गलती हुई। ऐसा माहौल हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक युद्धोन्माद की बात है, इससे क्या भारत को फायदा होगा? भारत क्या चीन को इससे फायदा होगा? और चीन ने जिस तरह से तेजी से चारों तरफ से शिकंजा कसा है, उससे हम कैसे निपट पाएंगे? निश्चित तौर पे यह इस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है, और देश हित में बात करने वालों को इस समय इस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। हम सैनिकों को लेकर परेशान हैं, परेशान होना बहुत जायज है, लेकिन हम उन सैनिकों के बारे में नहीं सोच रहे, उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में नहीं सोच रहे जो लगातार रोज बरोज हमें और आपको बचा रहे हैं कोरोना से मरने से। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसे ही योद्धा हैं हमारी नर्सें, जो इस समय पूरे देश में अलग अलग राज्यों से गुहार कर रही हैं कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें सही ढंग के PPE किट चाहिए। और उनके समर्थन में आज पूरे देश में
अलग अलग जगहों पे लोग उतरे और उन्होंने मांग की कि हमारी नर्सों के लिए जरूरत भर का सामान मुहैया कराया जाए, उन्हें इंसान समझा जाए, उनको सुरक्षित और अच्छे पीपीई किट मुहैया कराए जाएं। हम दिल्ली से आपसे बात कर रहे हैं और इसी देश की राजधानी दिल्ली में एक अस्पताल में यह वाकया हुआ कि वहां नर्सों ने जब कहा कि ये पीपीई किट अच्छे नहीं है, इस्तेमाल किए हुए हैं, हमें अच्छे पीपीई किट चाहिए ताकि हमारी जान बच सके, वहां पे कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव जो महिलाएं हुई हैं नर्सें, उन्होंने मांग की कि हमारी जांच मुफ्त होनी चाहिए, और कई नर्सों ने यह भी मांग की कि हमें कम से कम अपने घर पे सीधे ना भेजा जाए, हमारे लिए भी वही इंतजाम किए जाएं जो डॉक्टरों के लिए किए जाते हैं। तब प्रशासन ने क्या किया, प्रशासन ने सीधे सीधे कहा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और यह भी धमकी दी कि पुलिस को भेज दिया जाएगा। और रात में, जैसा कि जानकारी हमें मिली है, उस अस्पताल में पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि वे 15 से 18 नर्सों को गिरफ्तार कर सकते हैं। यह हालात जब देश की राजधानी में है तो निश्चित तौर पे आप ये फोटो देखें जो मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हर जगह लोगों ने आज नर्सों की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। हमें और आपको उनके बारे में भी सोचना बेहद जरूरी है। इस पूरे के पूरे प्रदर्शन और जो कॉल दिया गया वो NFIW के द्वारा दिया गया था, और इसकी जो महासचिव हैं उनसे हमने बात की, एनी राजा से। देखिए क्या कहती हैं एनी राजा। नर्सेस हमें ये बता रहे कि 13-14 जो कोरोना मरीज का एक नर्स, ये 13-14 मरीज को देखभाल करना है, और बीच में उनको टॉयलेट जाना भी पॉसिबल नहीं होती है। और पहले ऐसा था कि 14 दिन के कोविड ड्यूटी के बाद उनको 7 दिन का छुट्टी मिलती थी, अभी ऐसा है मुश्किल से 14 और 18 दिन का ड्यूटी के बाद मुश्किल से एक दिन का छुट्टी मिल रही है, रहने का अलग कोई प्रावधान नहीं है। और नर्सों को, यदि कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले नर्सों को यदि कोई सिम्टम्स जो कोरोना का है तो उधर से जो अपना हॉस्पिटल उनको टेस्ट करवाती नहीं है, उनको यदि पॉजिटिव हो गया तो उनका ट्रीटमेंट का कोई प्रावधान नहीं करती है। तो ये बहुत बड़ा एक गंभीर हालत में हमारी जो देश की नर्सेस काम कर रही है, और इनको काम से निकालने का धमकी भी देती है जो निजी अस्पताल वाला। देश को बचाना, देश के लिए लड़ना, देश के लिए चिंता करना, इस देश के हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है, और यह किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है कि वह कैसे देश को प्यार करेगा। हम और आप अपने देश को प्यार करते हैं और इसीलिए चिंता करते हैं। तमाम सवाल जो देश की बेहतरी से जुड़े हुए सवाल हैं, उन्हें उठाना देश प्रेम है। यह समझना और समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे ही आप सवाल उठाते हैं, आपको दूसरे खेमे में टरकाने की, खड़ा करने की पूरी कवायद होती है। यह समझना बेहद जरूरी है कि देश प्रेम देशवासियों से प्रेम है, उनके स्वास्थ्य से प्रेम है, उनकी शिक्षा से प्रेम है, उनके जीवन से प्रेम है, और इसलिए हम जरूरी सवाल ऐसे ही आपके साथ मिलकर उठाते रहेंगे। देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए न्यूज़ क्लिक और खोज खबर, ताकि सवाल को सवाल की तरह उठाने का हमारा हौसला जारी रहे। शुक्रिया।